हाय गाइस, तो क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं। जो बच्चे सीए इंटर क्लियर कर चुके हैं और उनका अटेम्प्ट 2024 या 2025 में है, और जिन बच्चों ने सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस अभी तक नहीं ली है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। ठीक है, सो बाकी दूसरे बच्चे चाहें तो ये वीडियो ना देखें, और उनको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए जरूरी है तो उनको शेयर कर सकते हैं। अच्छा सुनो, ये चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत जरूरी जरूरी चीजें मैं डालता रहता हूँ। सो गाइस, आई होप आप मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर प्लान कर रहे होंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को लेकर प्लान कर रहे होंगे। अब आप दो में से कोई एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, या तो आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता है कि हाँ भाई, मैं तो सीए के कोर्स में रजिस्टर हो चुका हूं, सीए फाइनल में रजिस्टर हो चुका हूं, मेरा अभी तक एफआर हुआ नहीं है, मुझे एफआर करना है, बात खत्म। दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेट वाले स्टूडेंट्स होंगे, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है। मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं जो बेचारे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट की एक अनाउंसमेंट का कि सर कभी तो अनाउंसमेंट कर दो कि ये न्यू कोर्स जो प्रपोज स्कीम है वो कब से अप्लाई होगी ताकि हम उसमें जाके रजिस्टर करवाएं। वो वेट कर रहे हैं कि बस आईसीआई अपनी प्रपोज स्कीम को लॉन्च कर दे तो हम उसमें रजिस्टर करवाएं ताकि हम न्यू स्कीम में रजिस्टर होने के बाद 6 पेपर्स देवे। वो वेट कर रहे हैं कि भैया आईसीआई कब बताएगा कि हमारा कोर्स नया स्कीम में कौन सा होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्योंकि कई सारे सवाल, बहुत सारे सवाल मेरे सामने आ रहे हैं। सर हम एफआर अभी कर सकते हैं कि नहीं, सर हमारा अटेम्प्ट 2025 होगा, पर सर अभी हमने ना एक भी सब्जेक्ट नहीं किया, सर प्रपोज स्कीम में एफआर बदलेगा क्या, बहुत सारे सवाल होंगे। सो मैं आपको बता दूं बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि मैं कई बार इस पे बोल चुका हूं तो मुझे लगता है इस पे बहुत ही शॉर्ट में अपने को बात करनी चाहिए। अगर आपको डिटेल में इसके ऊपर आपको समझना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है कि यस, आपको प्रपोज स्कीम के बारे में क्या समझना चाहिए। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, प्रपोज स्कीम में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं हो सकते हैं। उसका कॉमन सेंस और उसका सिंपल सा रीजन यह है कि अभी जो करंट स्कीम में जो एफआर का सिलेबस है वो इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, दो चैप्टर्स, एक सीएसआर और एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये दो चैप्टर्स को छोड़ दें, ये दो चैप्टर्स का वेटेज क्या है, 10 मार्क्स। ठीक है, तो 10 मार्क्स को छोड़ दें तो बाकी पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सब्जेक्ट इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। तो प्रपोज स्कीम में भी पूरा का पूरा सब्जेक्ट मेजरली इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रियल लाइफ में इंडस्ट्रीज के ऊपर, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है उनके ऊपर इंडेक्स लगता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंस्टीट्यूट इंडेक्स को हटा दे या इंडेक्स का वेटेज कम कर दे। ये हो सकता है कि जो अभी जैसे दो चैप्टर्स अभी 10 मार्क्स के हैं, वैसे हो सकता है कि वो दो चैप्टर्स को हटा के कुछ और चैप्टर्स आ जाए, बट बिल्कुल मैं यही कह सकता हूं कि मिनिमम से मिनिमम 85-90% कोर्स इंडेक्स ही रहने वाला है। ठीक है, जब कोर्स वही रहने वाला है तो फिर क्या सोचना, फिर पढ़ाई तो शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है ना, सो पढ़ाई तो डेफिनेटली शुरू कर देनी चाहिए एफआर को लेकर, चाहे आपका अटेम्प्ट 24 में है, चाहे 25 में है, चाहे 26 में है, चाहे कहीं पर भी है। ठीक है, सो ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस कर रहा हूं ये लेक्चर। एट द सेम टाइम ये लेक्चर हो सकता है मेरे वो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी मेरा एफआर का रेगुलर बैच ज्वाइन कर लिया होगा। एफआर रेगुलर बैच ऑलरेडी उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा। हमारा एक एफआर का रेगुलर बैच अभी करंटली चल रहा है जिसमें टेंटेटिवली अभी 120 आवर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट हो भी चुका है, और इस वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सो 120 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये वीडियो आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एफआर प्लान कर रहे हैं या जो बच्चे हमारा एफआर ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं इस वीडियो के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बच्चों के लिए जरूरी है एफआर का कोर्स लेने से पहले उनको पता होना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनको जानना होता है कि सर क्लासेस में क्या क्या कवर होगा, ड्यूरेशन क्या होगा। और कई कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन स्टूडेंट्स ने मेरा एफआर का बैच ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, तो ध्यान से एक एक करके चीजों को सुनिएगा, मैंने पॉइंट सारे लिखे हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ही छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ ईच लेक्चर, हमारा हर एक लेक्चर टेंटेटिवली 2.5 घंटे मतलब 2.5 आवर्स का है। सर 2.5 घंटे बस, हमने तो सुना है कि सीए फाइनल में ऑन एन एवरेज जो क्लासेस होती है वो 3.25 घंटे 3.5 घंटे की होती है। बिल्कुल सही सुना है, मेरा पिछला जो बैच था उसमें भी यही था, बट इस बार हमने स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो किया है और हमारा एवरेज जो ड्यूरेशन है हर लेक्चर का वो 2.5 घंटे का है। कुछ लेक्चर 10-15 मिनट ज्यादा होंगे तो कुछ लेक्चर 10-15 मिनट कम होंगे। अब ये एवरेज ड्यूरेशन इतना 2.5 घंटे का करने का रीजन क्या रहा, जितनी मेरी बच्चों से बात हुई, पुराने स्टूडेंट से बात हुई, मेरी करंट स्टूडेंट से बात हुई, सी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम
उस पॉइंट पे करते हैं जब हमारी आर्टिकलशिप भी चल रही होती है, और आर्टिकलशिप के दौरान हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है क्लासेस देखने का, क्योंकि बाकी फिर हमें ट्रेवल भी करना है, हमें जाना है, ऑफिस जाना है, कई सारी चीजें होती हैं। ऑफिस से वापस आने के बाद पता नहीं हम क्लास ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, थकावट होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो मुझे ये फीडबैक आया बच्चों से कि सर लंबी लंबी क्लासेस में ना क्या होता है सर, 3.5 घंटे की क्लासेस में सर क्या होता है ना, एक दिन में पूरा लेक्चर हो नहीं पाता है, और क्या होता है हमें आधा लेक्चर छोड़ना पड़ता है, फिर हमें लगता है कि नेक्स्ट बाद में देखेंगे, तो सर थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिलता है। एट द सेम टाइम मेरे जो रनिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे भी फीडबैक लिया, उन सभी बच्चों ने मुझे बोला कि सर 2.5 घंटे के लेक्चर जो है बल्कि हमें अच्छे लग रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ एक ही तो लेक्चर है, 2.5 घंटे तो है, कर लेंगे यार पूरा हो जाएगा। बल्कि सर 2.5 घंटे करने के बाद थोड़ा सा आप होमवर्क वगैरह देते हो तो सर वो भी हो जाता है, नहीं तो क्या होता है 3.5-4 घंटे का तो पूरा एक लेक्चर, उसके बाद आपका होमवर्क, सर क्या होता है ना इतना टाइम निकालना हो नहीं पाता। सो हमारा हर एक लेक्चर 2.5 घंटे का एवरेज का है, ताकि आप बाद में आधा एक घंटा होमवर्क के लिए भी निकालोगे तो आराम से आपका दिन भर में पूरा कंप्लीट, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कंटेंट। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो हमारे टोटल ड्यूरेशन जो होने वाला है, हमारा पूरा FR रेगुलर जो चल रहा है बैच, उसका जो टोटल ड्यूरेशन है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन जो है वो है 300-320 आवर्स। अब आप यहां पर कुछ लोग बोलेंगे सर 300-320 आवर्स सर ये कम है कि ज्यादा है? अब मैं यहां पर आपको बता दूं, मेरी जितनी भी बच्चों से बात हुई, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स ना हो, क्योंकि मालूम तो पड़ता है कि स्टूडेंट्स को FR लेना है तो कुछ बच्चे कहीं से कुछ चीजें पकड़ के लाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर 320 आवर्स या 300 आवर्स सर कम नहीं है, कुछ फैकल्टीज कुछ जगह पर ज्यादा घंटे कवर होते हैं। कुछ बच्चे उल्टा कहते हैं सर 320-300 आवर्स ज्यादा है सर, हमें तो सुना है कि हमें कहीं और से मालूम पड़ता है, कहीं और कोई और व्यक्ति 250 आवर्स में भी करवा देते हैं, 200 आवर्स में भी करवा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि देखिए हर किसी का पढ़ाने का तरीका अपना होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, ठीक है ना। हर किसी का पढ़ाने के तरीके के साथ साथ किसको कितना कवरेज करना है, किसको कितने एग्जाम्पल्स देने हैं, वो खुद डिसाइड करने का तरीका अलग अलग है। कोई ज्यादा एग्जाम्पल्स देता है, कोई कम एग्जाम्पल्स देता है, कोई ज्यादा रिपीट करके समझाता है, कोई कम रिपीट करके समझाता है। तो हर किसी का तरीका अपना अपना है, आपको जो तरीका जिसका अच्छा लगे वो फॉलो करिए। बट मैं एक आपको चीज बता दूं, FR बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, और अगर एक रेगुलर कोर्स जो कि एक प्रेशर एक्सपेक्ट करता है, ऑब्वियसली जब हमारे पास मिनिमम 1 साल का टाइम होता है हमारे एग्जाम में, मैं तो यहां पर बात कर रहा हूं 2025 अटेम्प्ट तक के लिए, तो जब हमारे पास मिनिमम 1 साल का टाइम होता है तो हमें रेगुलर बैच करना चाहिए, क्योंकि उसमें डिटेल में कवर होता है। सर ये डिटेल होता क्या है सर ये समझा दो, 250 घंटे जो करवा रहा है, 200 घंटे ले रहा है उसके लिए भी वो बोल रहा है डिटेल में, आप बोल रहे हैं 300-325 घंटे वो भी डिटेल, जो सर 400 घंटे में करवाते हैं वो भी बोल रहे हैं डिटेल। सर डिटेल है क्या? मैं आपको अपना डिटेल बता सकता हूं, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। हमारी क्लासेस में ICI का 100% मटेरियल कवर होता है, 100% मतलब 100% सारे के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। आप चाहो तो हमारी बुक जो है जब आपको मिलेगी तो आप उससे अपना ICI का मटेरियल कवर कर सकते हो, ठीक है ना। ICI का मटेरियल आप एक बार चेक कर सकते हो। हमारी क्लास में ICI के 100% मटेरियल के साथ साथ सिलेक्टेड CA फाइनल ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस भी कवर होते हैं, और ये दोनों चीजें तो बाद में, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 400-500 क्वेश्चंस 500 एग्जांपल्स डिस्कस किए जाएंगे पूरे ड्यूरेशन में, पूरे बैच में। कुछ भी मुझे समझाना है उसके लिए मुझे आपको एग्जांपल्स देना पड़ेगा, और एग्जांपल्स कोई थ्योरेटिकल नहीं, छोटे मोटे नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो मैं आपको बोलूंगा ये करते हैं एग्जांपल, चलो इसको करके देखते हैं, फिर ये करते हैं, फिर इसको करके देखते हैं, ऐसे 400-500 एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा। सो इट टेक्स टाइम, और तो और हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद या फिर दो दो टॉपिक खत्म होने के बाद हम चार्ट रिविजन्स करते हैं, और आपके चार्ट रिविजन्स भी इन्हीं लेक्चर्स का पार्ट होंगे। अगर मैं उन चार्ट रिविजन्स को अलग कर दूं तो वो आप चार्ट रिविजन कभी नहीं देखेंगे, आप बोलोगे हाँ बाद में देख लेंगे, पर अगर ये नंबर एक सीरियल वाइज में ही अगर होंगे साथ साथ तो आप वो चार्ट रिविजन भी कर लेंगे। हमारी क्लासेस में रिपीटेशन होता है, डाउट्स डिस्कशन होता है, क्योंकि लाइव बैच चल रहा है, और लाइव बैच में बच्चे डाउट पूछते हैं, और डाउट भी ऑडियो से पूछते हैं, क्योंकि जो हमारा ये बैच चल रहा है वो जूम से इंटीग्रेट करके बैच चल रहा है, सो हम अपने स्टूडेंट से डाउट्स भी लाइव पूछ सकते हैं, लैग भी नहीं होता। तो ये सब चीजें जो होती हैं, जो डाउट्स पूछने का जो हमने जो सिलसिला शुरू किया वो स्पेशली हमने 40 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद जूम पे बच्चों को बुलाया, और क्लास अब जूम के थ्रू हमारी कंडक्ट होती है लाइव में, ताकि बच्चा भी अपने डाउट पूछ सके, और प्रॉपर ऑडियो आता है, आपको एक फील आएगा कि यार आप भी उस क्लास का पार्ट हो, भले आप वो लेक्चर लाइव बेसिस पे नहीं देख रहे, ये सबसे अच्छी बात है हमारे क्लास की। सो बेटा ये सब कवर करने के लिए 300-325 घंटे चाहिए, आप समझिए इस बात को। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 200 घंटे में 250 घंटे में FR के लेक्चर्स कंप्लीट करवा दिए जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 300 आवर्स आर रिक्वायर्ड, इवन मोर देन दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अब ये 300 घंटे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि 300 आवर्स है। अब 300 आवर्स के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ लेक्चर्स पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑन एन एवरेज 2.5 घंटे की लेक्चर्स होंगी, बट नंबर ऑफ आवर्स अगर टोटल ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो 300 to 320 आवर्स का टोटल ड्यूरेशन होगा। अब उसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स आप मत गिनिएगा। तो आप जो भी अपना शेड्यूल बनाएंगे, आप अगर क्लासेस ले रहे हो तो आपको शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा कि आपको क्लासेस कब तक खत्म करनी है। तो आप नंबर ऑफ आवर्स को कंसीडर करके अपनी क्लासेस प्रिपेयर करिएगा। सॉरी, सो अपना शेड्यूल मेक श्योर कि आप अपना टोटल शेड्यूल नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पर बनाए, ना कि नंबर ऑफ लेक्चर्स पर। चाहे आप मेरी क्लासेस लें, चाहे आप किसी की भी क्लासेस लें। अब आपको ये नंबर ऑफ आवर्स वगैरह जो मैं कह रहा हूं, ये आपको मालूम कैसे पड़ेगा, ये मैं आपको आगे के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये इसका मैं आपको एविडेंस दूंगा कि ये नंबर ऑफ आवर्स वाकई में मैं जितने बोल रहा हूं उतना ही कैसे आपको मालूम पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात, कवरेज मैंने आपको बता दिया हमारा कैसे कैसे कवरेज है। टेस्ट पेपर्स एंड इवेल्युएशन, आप सभी के लिए हमने टेस्ट पेपर्स टेस्ट फ्री रखे हैं। आप टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, पोर्शन वाइज टेस्ट दीजिए, एंड आपके अटेम्प्ट से जस्ट पहले आपका 100% टेस्ट भी लिया जाएगा और आपका इवेल्युएशन मतलब कॉपी चेक करके दिया जाएगा। ये फैसिलिटी आपको स्पेशली दी जा रही है रेगुलर बैच में सभी बच्चों को। अब इस फैसिलिटी को कैसे बेनिफिट लिया जाएगा वो मैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी ये इंट्रो लेक्चर है तो मैं आपको बता रहा हूं कि टेस्ट पेपर्स और इवेल्युएशन फैसिलिटी आप सबके लिए है और ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट, आप जानते हो एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके साथ क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एफआर को उस टाइम पे कवर करते हैं जब उनके पास सफिशिएंट टाइम है उनके अटेम्प्ट के लिए, लाइक 2 साल 2.5 साल 3 साल 1.5 साल। तो एक आम बात है, देखिए कुछ कितना भी अच्छा पढ़ ले, आम बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम एफआर के बाद बाकी सब्जेक्ट उठाएंगे तो एक आम बात है कि हम पुराने वाले सब्जेक्ट्स को एफआर को भूलते जा सकते हैं। तो यह आम बात है, मैं आपको बताऊं तो इसको कैसे रिटेन कर सकते हैं। पहला तो आपके खुद के अच्छे नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स आपके, और मेरा मटेरियल जो कि आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ एग्जाम के जस्ट पहले हमें एक फील आता है कि यार कुछ टॉपिक्स मैं वापस से कवर कर लूं, काश मुझे लेक्चर्स मिल जाएं, शॉर्ट में क्रिस्प कंटेंट मिल जाए, उतना बड़ा रेगुलर कंटेंट भी नहीं चाहिए। टॉपिक पढ़े हुए हैं कुछ टॉपिक्स में, जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मुझे वापस से देखना है, जल्दी जल्दी देखना है। तो आप जानते हो आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, बूस्टर रिवीजन लेक्चर्स, जो कि आपको ओनली बुक कॉस्ट पे दिए जाएंगे। बिफोर एग्जाम्स आपको सिर्फ बूस्टर रिवीजन लेक्चर्स के लिए अप्लाई करना है, नॉर्मली ये लेक्चर्स को आपको ऑर्डर करना है, एंड व्हाट वी विल चार्ज ओनली द बुक कॉस्ट, मतलब लेक्चर्स आपको फ्री दिए जाएंगे। ये फैसिलिटी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सो रेगुलर स्टूडेंट्स को, जिनको जो हमारे लेक्चर्स परचेज करेंगे, दे कैन अप्लाई, दे कैन सब्सक्राइब फॉर बूस्टर रिवीजन लेक्चर्स। बूस्टर रिवीजन लेक्चर्स में हम सारा कंटेंट डिटेल में रिवीजन करवाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। टेंटेटिवली 60 आवर्स का कंटेंट होता है और 30 से 40 आवर्स का क्वेश्चन डिस्कशन होता है। क्वेश्चन डिस्कशन मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग होता है, तो लगभग 100 आवर्स होता है। और इसमें बच्चे के ऊपर है कि मुझे पूरा कंटेंट नहीं देखना है, मुझे कुछ चैप्टर्स देखने हैं, तो आप लेक्चर्स तो पूरे लेंगे तो आप सिलेक्टेड चैप्टर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको बुक कॉस्ट में मिल रहा है, आपको क्या दिक्कत है। बुक कॉस्ट लगभग 1,000-1,200 रुपए। आई बात समझ में कि नहीं? तो बूस्टर लेक्चर्स आप सबके लिए फ्री है। और मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे स्टूडेंट जो मेरे ऑलरेडी रेगुलर बैच कर चुके, उनको ये चीज पता ही नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्लास नोट्स पीडीएफ आर ऑल्सो अवेलेबल। जितना भी कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे जितने भी नोट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, सीए फाइनल बैच में हमारे क्लास नोट्स, अब जैसे मैंने इंडियस 23 पढ़ाया, तो मैंने जो इंडियस 23 पढ़ाया, जितना भी ये पोर्शन लिखवाया, ये हमारे फाइनल के, सीए फाइनल के जो हमारी क्लास चल रही है रेगुलर की, उसके नोट्स है। जो भी मैंने आपको लिखवाया, ये सारा कॉन्टेंट आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज, हमारा इस बैच का एक टेलीग्राम ग्रुप ही भी है, जो कि आपको ज्वाइन करना ही करना है अगर आप ये बैच ले रहे हो तो। अगर आप ये बैच लेते हो तो आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना ही है, मस्ट ज्वाइन ग्रुप, जिसमें आप मुझसे और बाकी बच्चों से कनेक्ट हो सको, आप डाउट्स भी पूछ सको और बाकी चीजों के बारे में भी हमारी बातचीत होती रहे। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कहां से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। लेक्चर वाइज शेड्यूल भी आपको, कि कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, वो जो टॉपिक है वो कितने लेक्चर्स में कवर हो रहा है, कितने घंटों में कवर हो रहा है, ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन दो तरीके से होगा। हमारा क्लास में रिवीजन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चार्ट रिवीजन हम क्लास में करते रहेंगे।
आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी 2-3 टॉपिक्स हम चार्ट रिविजन करते रहेंगे। आपको इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट रिविजन कैसे होता है, और इसके अलावा सेल्फ रिविजन में आपको रिकमेंड करूंगा कि जब जब आपको मौका मिले ड्यूरिंग द लेक्चर्स और आफ्टर द लेक्चर्स आप सेल्फ रिविजन भी जरूर करिएगा चार्ट बुक से। ठीक है, मस्ट विजिट योर वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन फॉर एक्टिवेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स। यही तो अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात कर रहा हूं। देखिए, जब आप हमारे लेक्चर्स को लोगे ना, जब हमारे लेक्चर्स को आप लोगे तो आपको ना आपके वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन के अंदर आपको ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा ये वाला कोर्स दिखेगा, वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन। सर ये क्या होता है? जब आप हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब करोगे, चाहे हमारी वेबसाइट से चाहे कहीं और से मेरे लेक्चर्स को आप परचेस करोगे, तो आपका आपको अपना एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा www.vsmartacademy.com/student। सर ये जरूरी क्रिएट करना बेटा, आपका एक्टिवेशन, कोर्स का एक्टिवेशन ये लॉगिन के अंदर से ही होगा। लॉगिन करोगे कोर्स के एक्टिवेशन के लिए, जो सीरियल की होती है वो आपको अंदर से मिलेगा, तो इसलिए आपको वो करना पड़ेगा। उसके लिए डोंट वरी, आपको मेल पे भी लिंक आ जाएगी कि एक्टिवेट आपको लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के लिए आपको कोर्स का जब ऑर्डर आपका हो जाएगा तो उसके एक दो दिनों में आपको मेल पे भी चीजें आएंगी, आपको व्हाट्सएप पे भी चीजें आएंगी, और जब आप लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन के अंदर आपका इस टाइप का ऐसा कोर्स दिखेगा। जब आपका ऐसा कोर्स दिखेगा तो ऑर्डर ट्रैक पे आप अपने बुक्स के शिपमेंट का ट्रैकिंग कर सकते हो। कोर्स एक्टिवेशन के अंदर आप सीरियल की और वीडियो प्लेयर डाउनलोड कर सकते हो, सेटअप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। कोर्स कॉन्टेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं इसको ओपन कर रहा हूं। कोर्स कंटेंट के अंदर आपको एक तो कोर्स मटेरियल पे क्लिक करना है। कोर्स मटेरियल पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर फिर से नीली पट्टी आएगी, उसको क्लिक करना है, और नीली पट्टी को क्लिक करोगे तो आपका गूगल ड्राइव लिंक ओपन हो जाएगा, जिसमें एक ही आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, ये लेक्चर वाइज शेड्यूल, ये आप देख रहे हैं लेक्चर वाइज शेड्यूल की लेक्चर नंबर 1 में हमने कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। आप देखेंगे हमारी क्लासेस ऑन एन एवरेज 2.5 घंटे की लगभग है, मिनट्स के फॉर्म में है। हर टॉपिक कितने कितने घंटे में कवर हुआ यह भी सब बता दिया है मैं अभी तक, क्योंकि 40-45 क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो आज मैं आपको इसलिए ये सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा अच्छा खासा कंटेंट हमारा बन चुका है, तो क्या क्या चीजें मैं आपको दे रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ इसी लेक्चर वाइज शेड्यूल में स्टूडेंट लॉगिन की भी इंफॉर्मेशन है कि एक्टिवेशन कैसे होगा, ये भी आप देख लीजिएगा, यहां पर यूट्यूब का लिंक है। इसके अलावा अभी तक हमने जैसे इंडेस 12 को रिवाइज किया है, इंडेस 16, 38 को रिवाइज किया है, 41 को, 40 को, 2 को रिवाइज किया है, उसकी सेपरेट लिंक भी है, यूट्यूब की लिंक भी है। मतलब रिवीजन तो हमने जो किया है वो इन लेक्चर्स के अंदर ही है, पर इन लेक्चर्स को ही एडिट करके अलग से हमने यूट्यूब में भी डाल दिया है। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स आप जब लेक्चर्स देखोगे तो आपका साथ में रिवीजन होगा, पर अगर आपको मान लो बाद के लिए भी फिर से रिवीजन चाहिए तो आप इस शीट के अंदर जाके यहां से यूट्यूब का एक्सेस ले सकते हो। इसके अलावा डेमो बुक्स पीडीएफ, ये रही डेमो बुक्स पीडीएफ में आपको मॉड्यूल 1 और क्वेश्चन बैंक का मिल जाएगा। क्लास पीडीएफ नोट्स, ये क्लास पीडीएफ नोट्स सारे के सारे, जैसे इंडिया 23 में आपको दिखा रहा था तो वैसे ये इंडिया 23 आपके सामने आ गया। ठीक है, तो क्लास पीडीएफ नोट्स भी आपको सारे के सारे मिलते हैं। तो जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि भाई क्लास पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप, अच्छा हाँ टेलीग्राम ग्रुप के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। तो ये देखिए, इसके बाद कोर्स मटेरियल के बाद आपको स्टडी ग्रुप को क्लिक करना है। स्टडी ग्रुप में आपको क्लिक हेयर आएगा, क्लिक हेयर करके आपका यहाँ पर टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, आपका ये टेलीग्राम का लिंक ओपन हो जाएगा। गाइज, अंडरस्टूड और नॉट? सो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम आपको यहीं से ज्वाइन करना है। इसकी लिंक आपको मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, मेरी टीम प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको लॉगिन से ही मिलेगा। ऑलराइट, इसके बाद रिवीजन की बात हो गई, ये सब चीजें हो गई। स्टडी रिलेटेड डाउट्स आपको कैसे सॉल्व होंगे, स्टडी रिलेटेड डाउट्स के लिए टेलीग्राम जो स्टडी ग्रुप है वो आपको ज्वाइन करना है वहां पर, और मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां पर। इन दो तरीके से हम अपने डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। अब जो चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं कि सर कोर्स मटेरियल हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो कोर्स मटेरियल आपको जितने भी मॉड्यूल्स मिलेंगे, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार के मॉड्यूल्स मिलेंगे। आप देखेंगे ये वायरो मॉड्यूल्स हैं, वायरो बोलते हैं इसको, आप इसको सस्ती लैंग्वेज में स्पाइरल बोल सकते हो, मैं इसको स्पाइरल बोल के इसकी वैल्यू नहीं गिराऊंगा क्योंकि स्पाइरल बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायरो है। ये बुक इस तरीके से बनाने का रीजन, बाइंडिंग हमने नहीं किया, ये ऐसे बनाने का रीजन क्या है, रीजन ये है ताकि आपके पूरे पेजेस खुले। बाइंडिंग करवाने में क्या होता है, हमारी बुक आधी मतलब थोड़ी सी नहीं खुलती तो बच्चों को इरिटेशन होता है, और डोंट वरी इससे आपके पेजेस नहीं फटेंगे, टेस्टेड है, बहुत अच्छा टेस्टेड है, जब हाथ में आपके मटेरियल आएगा तो मजा आ जाएगा। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ऐसे ही आपको दो मॉड्यूल्स और मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे जिसमें सेपरेट क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, क्वेश्चन बैंक के वीडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होंगे, और आपको चार्ट बुक मिलेगा। क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग मेरे को एक और चीज याद आई, आप मैंने क्वेश्चन बैंक के कई सारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हैं जो कि आपको वी स्मार्ट अकेडमी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये देखिए ये वाला ये FR क्वेश्चन ये है, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें कई सारे बड़े बड़े जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके क्वेश्चन बैंक के लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हैं ताकि आपको आगे चल के सेल्फ प्रैक्टिस में ये चीजें काम आए। सो दैट्स इट।
सो ओवरऑल ये एक इंट्रो लेक्चर था, और आप इसको इंट्रो लेक्चर बोलो या फिर ये लेक्चर देखना इसीलिए बहुत जरूरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को एफआर के लेक्चर्स करने हैं हमसे पर हमारे बारे में डिटेल उनको नहीं पता, और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लिया है, वो हमारी क्लासेस अभी देख रहे हैं पर उनमें से कुछ बातें शायद उनको पता भी नहीं है, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे अपडेट्स YouTube पे ही मिलेंगे आगे चल के, टेलीग्राम पे भी मिलेंगे, टेलीग्राम पे मैं YouTube का लिंक भी डाल दूंगा। सो ये वीडियो बाकी अपने स्टूडेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, मुझे कॉल करना है, तो यू कैन कॉल मी ऑन द सेम नंबर। आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज पूछनी है, मुझे बताइए कि आप कैसे कवर करोगे, क्या करोगे। अगर आपको लेक्चर्स लेने से पहले आपको कुछ पूछना है या लेक्चर्स लेने के बाद आपको मुझसे बात करनी है तो इस पे बात कर सकते हो। अगर मैंने आपका कॉल पिक नहीं किया तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपके मैंने मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट वरी, आप बहुत अच्छे सेफ हैंड्स पे रहोगे। डोंट वरी, आई विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत मजा आएगा आपको एफआर हमारे साथ पढ़ने में। Thank you so much for watching this lecture. Please subscribe our channel and like this video. Thank you so much.